छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, शास्त्रों में फेसलिफ्ट इसे ही कहा गया है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीवी नाइन नेटवर्क और आज हम बात करेंगे किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट के बारे में। किया कहना है ये फेसलिफ्ट नहीं, ये नहीं बनाई है, फेसलिफ्ट कहते तो ज़्यादा जस्टिफाइड होता। खैर, शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट के साथ। सामने से क्या कुछ बदलाव हुए हैं आपको दिख भी रहा होगा कि ग्रिल में आपको थोड़ा बहुत जो चेंज है वो नज़र आएगा ज़रूर। अब जो यहाँ पर आप देखेंगे जो DRS वगैरह है ये यहाँ तक खींच दिए गए हैं, पहले थोड़ा यहाँ तक रहता था, पर मोटे मोटे तौर पर ग्रिल के अंदर आपको चेंज मिलेगा। इसके अलावा जो एक बड़ा बदलाव है वो फ्रंट में ये है कि यहाँ पर सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर्स। ये आपने अगर पहले देखा होगा करोल बाग से भी कुछ लोग मोड़े वगैरह के वो इससे चलती हुई रनिंग लाइट्स नहीं होती, वैसे वाले इंडिकेटर लगवा लेते हैं, तो वहाँ पर ये बदला गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये ज्वेल शेप्ड हेडलैम्प्स लगा दिए गए हैं और ओवरऑल सामने से देखने में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं लगेगा, लेकिन छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जिससे गाड़ी पहले से बेहतर ज़रूर लगती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, काफ़ी टाइम हो गया था किया को आए हुए, सेल्टॉस को आए हुए, थोड़ी पुरानी लग रही थी, बट अभी यहाँ पर एक जो तड़का मारा ना हल्का सा फ्रेशनेस का, वहाँ पर फ़र्क आता है। ये पूरा पूरा बम्पर है इसको भी चेंज किया गया है, यहाँ पर आपको बदलाव नज़र आएंगे, पियानो फिनिश वगैरह दी गई है और इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ ये इसका फ्रंट होता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल ही कुछ नया बना दिया हो, पुरानी वाली को ही दोबारा से लेकर थोड़ा सा एडिट किया है वो सारी चीज़ें हैं। साइड प्रोफाइल में आएंगे तो साइड पूरा क्लीन है यहाँ पर एज़ यूजुअल जो आपको मिलता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिख रहे होंगे। एक नया कलर आया है इनका किया सेल्टॉस का, तो वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ऊपर रूफ रेल मिल जाते हैं यहाँ पर। चलिए मैं इसको एक नई गाड़ी की तरह भी देख लेता हूँ, तो यहाँ पर रूफ रेल है, नॉन फंक्शनल है और इसके ऊपर पैनारोमिक सनरूफ है। टायर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और अच्छा साइज़ है, इसमें आपको 17 इंच ऑप्शन भी मिलता है, 16, 17, 18 तीन टायर साइज़ आपको नई किया सेल्टॉस के अंदर मिल जाएंगे। अलॉय डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है कि किया का जो अलॉय का डिज़ाइन है काफ़ी स्पोर्टी लगता है, ऐसा बेसिक डिज़ाइन इन्होंने नहीं दिया हुआ है। डुअल टोन है, दो कलर आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे और आगे पीछे दोनों चारों टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक भी लगे हुए हैं। और ओवरऑल अगर आप टायर का साइज़ भी देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा टायर है। प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं तो 215/55R18 है ये, यानी कि 215 mm टायर की चौड़ाई है और अच्छी चौड़ाई होती है, SUV की इतनी होनी भी चाहिए तभी वो SUV मानी जाएगी यार, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो आप साइड के बारे में दोबारा बात कर लो तो देख लो आप, सिंपल सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम है ही नहीं। तो यहाँ से आप चलते हैं पीछे इसके हिस्से की तरफ और पीछे में देखते हैं क्या क्या है। रियर प्रोफाइल के बारे में अगर आप बात कर लो तो यहाँ पर आपको ये कनेक्टेड टेल लैम्प जैसी फील दे दी गई है और ये भी एच शेप है, लगता है इनको लगा कि पेरेंट कंपनी का एच शेप लगा देना चाहिए, बट ये किया सेल्टॉस है और ये टेल लैम्प्स में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रियर बम्पर पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये फिन टाइप स्ट्रक्चर लगाया गया है, ये देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ ट्विन एग्जॉस्ट है, ये दो एग्जॉस्ट हैं और ये दोनों के दोनों फंक्शनल है, मतलब दोनों में से आवाज़ आती है, तो ज़्यादा स्पोर्टी फील इस गाड़ी को मिल जाती है। तो कुल मिला के पिछले हिस्से में आपको ये सारे बदलाव मिल जाते हैं। शार्क फिन एंटीना है, वो पहले भी आता था, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब बाकी ये डिफॉगर वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, स्पॉइलर भी इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से एक्सटीरियर दिखाई देता है किया सेल्टॉस 2023 का, जिसको मैं फेसलिफ्ट कह रहा हूँ, किया एक नई गाड़ी कह रही है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं अंदर में क्या कुछ बदला है क्या कुछ नहीं। दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, अंदर चलो यार। चलिए आप बैठते हैं किया सेल्टॉस 2023 के अंदर और देखते हैं यहाँ क्या बदला है क्या नहीं बदला है। अंदर बैठ के आपको वाकई में लगेगा कि गाड़ी को नया बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड डिस्प्ले मिलता है 10.25 इंचेस का MID और साथ ही साथ 10.25 इंचेस का ही एक आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी दिया गया है। कनेक्टेड फीचर्स बहुत सारे हैं, सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे हैं, उनके बारे में बात करेंगे आगे। पहले मैं आपको फटाफट से अंदर क्या कुछ नया वो बता देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं, AC कंसोल वगैरह, ये सब नया है। इसके अलावा यहाँ पर जो देखें आप इंफोटेनमेंट के जो भी कंट्रोल है, मीडिया कंट्रोल्स, ये सब नए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर 3 पावर ट्रेन और 5 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं, IVT, CVT, MT, AT, DCT। तो ये 5 ऑप्शंस के अंदर आ रही है गाड़ी और 3 तरह के पावर ट्रेन में मिल रही है गाड़ी। अब दूसरा, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है, अच्छी स्टोरेज स्पेस है। और इधर इन्होंने एक वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ अंदर पैड दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि यार अंदर ना देखे ना बाहर दिया करो, क्योंकि क्या है कि अंदर मान लो फ़ोन आ रहा कुछ भी आ रहा तो फिर दोबारा बाहर निकाल के ढूंढना पड़ेगा। ये ना थोड़ा अर्गोनॉमिकली प्रैक्टिकल नहीं लगता, पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा। एनीवेज, यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, 360 डिग्री कैमरा, अच्छा ADAS 2.0 इसके अंदर है, यानी कि ADAS लेवल 2 इसके अंदर डाला गया है। और उसके अंदर आपको 17 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसको और ज़्यादा डिटेल में जब हम इसको चलाएंगे तब बात करेंगे, बट ADAS लेवल 2 है, ये मैं आपको इसके अंदर बताना चाह रहा था।
म्यूजिक सिस्टम एज यूजुअल आपको बोस का मिल रहा है जो कि अच्छी क्वालिटी का है। फैब्रिक वगैरह पहले की तरह ही बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये थोड़ा सा ग्रे कलर का है और ब्लैक कलर के साथ कंबाइन किया है इसको। स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करेंगे तो ये पुराने जैसा ही स्टीयरिंग व्हील है, इसके अंदर एडास के कंट्रोल्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। मोटे मोटे तौर पर आपको ये बदलाव नज़र आएगा। अब चलते हैं पिछली रो में और देखते हैं वहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। भाई देखो, गाड़ी के डायमेंशन डायनेमिक्स ऑलमोस्ट सारे सेम है, तो सेकंड रो में ऐसा कुछ बहुत बदलाव नहीं मिलेगा आपको। बट वो जो कलर वलर चेंज हुए हैं, जो चीज़ें बदली हैं, उसका आपको फील आएगा। अच्छा, पैनोरामिक सनरूफ है तो थोड़ा सा बैठने में ज़्यादा मज़ा आता है। पहले पैनोरामिक सनरूफ नहीं थी तो वो एक फील मिसिंग था। इसके अलावा पीछे दो सी टाइप के चार्जर हैं। यहाँ पर सीट्स एज यूजुअल अच्छी हैं सेल्टॉस की, उसमें कभी कंप्लेंट नहीं रही थी और अभी भी वो कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा थाई सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, आप देखिए बढ़िया थाई सपोर्ट है, बढ़िया नी रूम है, बढ़िया लेग रूम है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। हेड रूम भी बढ़िया है, ये पहले भी नहीं थी, ये आज भी शिकायत नहीं है, क्योंकि पीछे उस तरह से कुछ बदला नहीं है। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे रंग रूप में जो बदला है, बाकी मैं फेसलिफ्ट के लिहाज से कुछ बदला है आई डोंट थिंक सो। किया ने सेल्टॉस में बदलाव किया या मौसम में बदलाव हो गया और बरसात भी शुरू हो गई, उसी के साथ बताए थे कि भैया इंजन में क्या मिल रहा है आपको। 1.5 लीटर का इंजन मिल रहा है पेट्रोल इंजन और इसके अंदर आपको 160 पीएस की पावर मिलती है। आई होप ये वही इंजन है जो शायद अभी हाल ही में वर्ना के अंदर भी आया है। तो ये थी किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट 2023 आपको हमने दिखा दी। क्या आपको इसमें अच्छा लग रहा है, क्या आपको इसमें ख़राब लग रहा है, आपको लग रहा है पहले वाली ही है, ये भी एक राय हो सकती है, तो ये सारी राय कमेंट में आके बताएं। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल trendsdesign.com को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हमारी वेबसाइट trendsdesign.com को जाकर आप फॉलो करें, लॉगिन करें, वहाँ पर जाएं, अमेजिंग कंटेंट हम लोग आपके लिए लिख रहे हैं, जाके पढ़िए, मज़ा आएगा आपको। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स trendsdesign official, उनको जाके इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। मेरा नाम मानव है, एक अच्छे मानव बने, जय हिंद कहें।